नमस्कार, शख्सियत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। चंद लम्हे जिंदगी का अक्स हैं, ऐसे लम्हों को ठहरना चाहिए। ऐसा ही एक लम्हा है, कुछ वक्त का साथ है उनका, जिन्हें ओडिसी नृत्य में महारत हासिल है और जो कथक के साथ साथ भरतनाट्यम नृत्य में भी पारंगत हैं। हमारे साथ हैं आज शख्सियत में माधवी मुदगल। एक शख्सियत कला को समर्पित और प्राचीन नृत्य कला की शैदाई। संस्कृति के प्रति संवेदनशील, नृत्य में पारंगत, सरल सौम्य। पंडित विनय चंद्र मुदगलिया और पद्मा देवी की गुणी बेटी माधवी मुदगल। माधवी ने एक ऐसे परिवार में आंखें खोली जो शुरू से शास्त्रीय गीत संगीत की दुनिया को समर्पित रहा। माधवी मुदगल ने भरतनाट्यम और कथक नृत्य की तालीम ली, लेकिन बतौर करियर उन्होंने ओडिसी नृत्य को चुना। ओडिसी नृत्य की तालीम उन्होंने गुरु श्री केलुचरण महापात्रा से ली। ओडिसी नृत्य जिसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इस नृत्य का ये सबसे कठिन अंग है। इस नृत्य में जिस तरह से पैरों की थाप और शरीर की भंगिमाओं का तालमेल माधवी मुदगल करती हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। यही नहीं, माधवी मुदगल एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी हैं। एक गुरु के रूप में माधवी हर दिल अजीज है जो नई पौध को बड़े ही सलीके से सींच रही है। उनको मिले बेशुमार अवार्ड्स, उनकी मकबूलियत और उनकी नृत्य साधना की कहानी आप बयान कर जाते हैं। नमस्कार माधवी जी, शख्सियत कार्यक्रम। नमस्कार समीना जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको अपने बीच देखकर। शुरुआत में अगर आपसे हम यही बात जानें जिससे हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की, क्योंकि आपने भरतनाट्यम और कथक दोनों सीखा, लेकिन अगर करियर की बात करें तो आपने ओडिसी नृत्य में बनाया, क्या खास वजह रही? भरतनाट्यम मैंने बचपन में सीखा था और काफ़ी वर्ष सीखा था। कथक में स्टेज पर भी बहुत वर्ष किया, लेकिन ओडिसी का जो लालित्य है उसकी एक अंडरस्टेटमेंट है जो मुझे अपनी प्रकृति के अनुरूप लगी, इसलिए मैंने दोनों नृत्य छोड़ के केवल ओडिसी पे ही ध्यान दिया। और करियर के रूप में नहीं, एक उसके उसकी सुंदरता के प्रति रुझान के कारण है। क्या खास बातें जो आपको जो ओडिसी नृत्य है वो और तमाम नृत्यों से अलग हो जाता है? ओडिसी एक बहुत लालित्यपूर्ण नृत्य है। उसकी जो भंगिमाएं हैं वो मूर्तिवत हैं और उसका जो चलन है एक भंगिमा से दूसरी में जाना वो बहुत सहज और बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। और अगर हम ओडिसी नृत्य के प्रस्तुतिकरण की ही बात करें तो ये क्या, इसका फॉर्मेट क्या है या किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? हाँ, हमारे आप जानते हैं भारतीय नृत्य, हर एक नृत्य का एक प्रस्तुतिकरण का क्रम है। शुरू में हमेशा इन्वोकेशन होता है, हम ओडिसी में मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद परंपरागत रूप में एक हम आइटम करते थे बट्टू, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। फिर अभिनय,
अभिनय में या तो गीत गोविंद की अष्टपदी होती है या फिर ओडिया गीतों पे अभिनय किया जाता है। पल्लवी जिसमें कोई कविता या अभिनय नहीं है, केवल ताल और लय पे आधारित नृत्य होता है और अंत में मोक्ष होता है। और अगर इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में आप हमारे साथ कुछ चंद शब्द शेयर कर सकें तो देखा जाए तो उड़ीसी जो इसका रिवाइवल था वो 1950 के बाद ही हुआ, लेकिन जो इसका सबसे पुराना पुरातत्व का प्रमाण मिलता है वो ईसा से 100 वर्ष पूर्व उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी नाम की जैन गुफाएँ हैं जहाँ पे सबसे पहला प्रमाण माना जाता है, जिसमें एक नर्तकी उसके संगतकार और राजा और एक सभा में वो नृत्य हो रहा है। तो ये स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे पहला नृत्य की प्रस्तुति का प्रमाण है हमारे देश। उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा के मंदिरों में, अनेक मंदिरों में छठी से लगभग 14वीं शताब्दी तक इस नृत्य के होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं उड़ीसा में अलग अलग मंदिरों में, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे वो कोणार्क सूर्य मंदिर हो। और उसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी में जब उड़ीसा में आक्रमण हुए, बाहर से लोग आए, तो एक नई धारा शुरू हुई, गोटीपुआ जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे लड़के स्त्री वेश में नृत्य करते थे। वो उनकी वजह से हम कहें कि आज हमें इस नृत्य का हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस नृत्य को जीवित रखा आखिर तक। थोड़ा सा आगे बढ़ें और आपको आपके बचपन की तरफ ले चलें, आपके छुटपन की तरफ ले चलें। आपके पिता ने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, यानी कि बचपन से आपको संगीत का, कला का एक माहौल मिला। जी, कैसे याद करना चाहेंगी उन बचपन के दिनों को? मैं सोचती हूँ आज मैं जो भी कुछ हूँ उस वातावरण के लिए, उस संस्कार जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए, वो वातावरण इतना सुंदर था, क्योंकि बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं क्लासेस होती थी, वहीं सब बड़े बड़े संगीतकार आके रहते भी थे, वहीं हमारे एक बड़ा सा आंगन था, वहाँ पे पंडित रविशंकर, बड़े गुलाम अली खान साहब, सारे पंडित नोबकानाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन विलायत का, मतलब गंगूबाई हंगल जी, सारे लोग आके वहाँ पे गाते थे। रात रात भर महफिल होती थी, हमें इतना समझ तो नहीं आता था, लेकिन वो इतना सुना उनके डिस्कशंस संगीत के बारे में। तो उस वातावरण में जो हम बड़े हुए, मेरे ख्याल आज जो मेरा फ्रेमवर्क है जेनेटिक, वो उसी की वजह से है। आपने कहीं कोट किया है कि संघर्ष मैंने भी किया जी, और संघर्ष में ही तप तप कर यहाँ तक पहुँचे। ऐसा इसलिए क्योंकि सब समझते थे कि मेरे पिताजी संगीतज्ञ हैं और वो कुछ कमिटीज़ में होते थे, तो इसको तो चांस यूँ ही मिल जाएगा और मिलता है, लेकिन जिस भी कमेटी में मेरे पिताजी होते थे उसमें कभी भी हमारा नाम नहीं जा सकता था वो इस प्रकार के थे। तो मैंने भी औरों की तरह संघर्ष किया, लेकिन मेरे जो एडवांटेजेस थे कि संगीत की एक समझ डेवलप थी और वातावरण ऐसा था, तो वो एडवांटेज ज़रूर था मेरे अन्य डांसर्स की। माधवी जी, अगर गुरु की बात करें, गुरु केलुचरण महापात्रा से आपने बाकायदा तालीम ली जी, जो एक अपने आप में आइकन रहे हैं जी, किन खास टेक्निक्स आपने सीखी उनसे या ग्रहण की जो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, इतने बड़े गुरु का सानिध्य आपको मिला, तो कोई ख़ास टेक्निक्स जो आप जिक्र करना चाहें आज? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे गुरु जी एक ऐसी विभूति थे कि जिनकी वजह से आज उड़ीसी जो इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि उनके इतने स्टूडेंट्स उन्होंने तैयार किए, तो उनके जो मेहनत, लगन, उनकी समझ, क्योंकि वो केवल नर्तक ही नहीं थे, क्योंकि गोटीपुआ रहे, वो पखावज भी बहुत अच्छी बजाते थे, वो नृत्य चित्रकार भी बहुत अच्छे थे क्योंकि चित्रकार फैमिली के थे, और एक उनका विजन, वो अभिनय बहुत सुंदर करते थे, तो उन्होंने इसको जो एक स्वरूप दिया उड़ीसी को, रिवाइवल जो 1950 के बाद, तो उसमें एक
प्रमुख मैं उनकी भूमिका मानती हूँ। तो मुझे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। और लेट 60s 70s में जब वो भी इस नृत्य को एक रूप दे रहे थे, उस वक्त उनके घर ही जाके मैं रहती थी उड़ीसा में। यकीनन आपने इतने सालों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस टिप्स पर होते हैं, याद आते हैं आपको, या उस वो जो परफॉर्मेंसेस थे वो कितने चैलेंजिंग थे? सबसे पहला परफॉर्मेंस जो उड़ीसा में मैंने किया 76 में, गुरुजी थे पखावज पे, और सभा में जो इस गुरु इस विधा के जो दो अन्य प्रमुख गुरु, गुरु पंकज चरण दास जो मेरे गुरुजी के भी गुरु थे रहे, और गुरु देव प्रसाद दास, वो दोनों ऑडियंस में थे। तो मैं तो बिल्कुल छोटी न्यू कमर उड़ीसा में पहली बार कर रही हूँ, आप मेरी हालत समझ सकती थी। तो वो मैं बहुत डरते हुए एक पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम किया, और उसके बाद ये दोनों गुरु इतने खुश हुए और वो आके उन्होंने मतलब आशीर्वाद दिया, और ये मैं बहुत एक अपने मन में मेरी हमेशा ये परफॉर्मेंस रहती है। और भी अनेक अलग अलग कारणों से कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस याद आते हैं। अगर त्रिभंगी की ही हम बात करें, उड़ीसी नृत्य का एक खास पहलू है त्रिभंगी, कितना अहम अंग है ये, खूबसूरत के साथ कितना मुश्किल? त्रिभंग जो एक शरीर की स्थिति है, जो उड़ीसी का एक प्रमुख जो बेसिक बॉडी पोजिशन है, अब एक चौक भी है लेकिन जिसमें शरीर के दो हिस्से बराबर रूप में होते हैं, लेकिन त्रिभंग में 3 भंग यानी शरीर के 3 हिस्सों में उसका कटना, भंग होना। तो यहाँ पे नेक पे, टॉर्सो में, वक्ष में और घुटनों पे, तो ये 3 आपके बेंड्स होते हैं तो त्रिभंग बनता है। और उसमें ये है कि आपका टॉर्सो का चलना, वक्ष का चलना, लेकिन हिप्स के नीचे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप पैर चला रहे हैं लेकिन आपके हिप्स नहीं मूव करने चाहिए, सिर्फ टॉर्सो मूव करना चाहिए। ये एक बहुत कंट्रोल से आता है। तो ये तो बहुत मुश्किल भी हुआ, तो कितना अरसा लग जाता होगा? मान लीजिए एक नया स्टूडेंट है जिसने शुरू किया, तो वो ये इसमें बिल्कुल महारत कब तक हासिल कर पाता? महारत तो हम आज तक नहीं हासिल कर पाए, लेकिन 10-12 साल तो लगते हैं। 10-12 मतलब साल अच्छी, उसको आत्मसात करके उसको बिना सोचे करने का। और अभिनय? तो अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि उसका अपना ही मज़ा है, और वो असली हमारे नृत्य की बात कहें तो वो उसकी जान है। कॉन्टेम्प्रेरी और क्लासिकल के दोनों की अगर हम बात करते हैं, और यूथ आज जिस तरह से उनमें प्रयोग कर रहा है, आपकी नज़र में वो कैसा है? पहले मैं ये कहना चाहूँगी क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी के बारे में, क्योंकि मेरे विचार में जो हम आज कर रहे हैं क्लासिकल में, वो कंटेम्प्रेरी ही है। हमारा क्लासिकल कंटेम्प्रेरी ही है, क्योंकि हर जेनरेशन में कुछ कुछ नया होता है। मेरे गुरुजी ने जो 60-70 में किया वो उस वक्त के लिए नया था, तो बिना नएपन के एक परम्परा का प्रवाह नहीं हो सकता। हर एक जेनरेशन अपने उसमें इनपुट्स देती है, तब वो परंपरा चलती है। लेकिन वो किसी भी तरह से ओडिसी के बेसिक टेनेट से भटकना नहीं चाहिए कहीं तो वो प्रयोग मैंने बहुत किए हैं। और सबसे पहला मेरा था सोहम अस्मी, जिसे अभी मैं देखती हूँ तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें कोई बहुत गहराई है जो मुझे बहुत प्रिय है। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके बारे में अपनी राय का इजहार किया और उसे हमने अपने कैमरे पे कैद किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। माधवी जी को मैं बहनी कहता हूँ बचपन से, और जैसे और भाइयों को, जैसे छोटे भाई जैसे मेरा भी बहुत हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा भी कुछ गलत करूँ नहीं करूँ उसके पीछे ध्यान मेरी हमेशा फिक्र करते हैं। एक्चुअली ये सब बोलना भी मुझे बड़ा ऑर्ड है, क्योंकि कभी ये मैंने ऐसे भाव पब्लिक में एक्सप्रेस नहीं किए। और एक किस्सा है कि बचपन में क्वायर अमेरिका जा रहा था 72 में, मैं 16 साल का था, तो
तो मुझे भी ले जाने की बात थी, तो पापा ने, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी बहुत छोटा है, इसको और मौके मिलेंगे। पर बहनी ने, माधवी जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, उसको ले जाना है, इस उम्र में जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत लाइफ में काम आता है। एज अ डांसर केलू बाबू के स्टाइल को, जो उन्होंने पहले शुरू में जैसे स्टाइल सिखाया था, उसको मेंटेन करने वाले वन ऑफ द फ्यू डांसर्स बहनी हैं। और केवल डांसर के रूप में नहीं, गुरु के रूप में भी वो बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं। अनेक उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं और ज़्यादा खास जानता हूँ क्योंकि मेरी बेटी उनसे सीखती है, आरुषि, और उसको कैसे उन्होंने तैयार किया है ये मुझे साफ सामने दिखता है। नमस्ते माधवी दी, कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? इट्स ग्रेट टू बी हियर एंड टू सी यू। माधवी जी, आई थिंक शी हैज कार्व्ड अ वेरी वेरी important and a very beautiful niche for herself in this world. I came to class after my mother's death, and I opened the door and he looked at me, and the smile that I saw on your face and the tears that I saw in your eyes, and you hugged me and you just looked at me and you just said, be strong, enjoy the class. The happiest moment, the saddest too. The way you hold your breath, your eyes, your face, your body language, your energy says that you really have transcended. I think that is what I love about you the most, your composure, and I hope one day I can get what I see. I think, Madhuji, you're the most beautiful person that I know. You know how your students adore you. You know how I adore you. And I wish that you continue dancing. I wish I see you dancing every day and every moment. 8 minutes. इन्होंने सब कुछ कह दिया। मैं ये कहूँगी कि मधुप का मेरे को बहुत सहयोग रहा है संगीत के, उसका संगीतकार होना और मेरे लिए रचनाएं करना। बहुत बड़ी बात। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे माधवी जी। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज है माधवी मुदगल। माधवी जी, आपका जो डांस है, जो आपका नृत्य हम लोगों ने देखा है, उसमें आप नए और पुराने विचारों का बड़ा खूबसूरती से समावेश कर जाती हैं। कैसे कर पाती हैं आप इन दोनों के बीच में जो एक तालमेल बिठाती हैं? मेरे विचार में जब तक आपके पास पुराने में पैठ ना हो, तब तक आप नया नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं लेकिन उसमें उसकी जड़ नहीं होगी उसमें। तो नया सोचने के लिए पुराना ज़रूरी है, अगर थोड़े शब्द में कहूँ। हाँ हाँ। तो वो मैं, कोई एक आध प्रयोग आप बताना चाहें जो आपने किया हो अपने नृत्य के दौरान? अनन्या में मैंने एक प्रयोग किया था, वाद्य वैविध्य। उड़ीसा के जो अलग अलग वाद्य हैं, जो ताल वाद्य हैं, उनकी जो एक साउंड के ऊपर आधारित जो ताल की प्रक्रिया, पांच जातियों को कैसे मिला के वो किया था। और अनेक प्रयोग हैं इस तरह के। गंगा स्तवन, जिसमें गंगा की आराधना है मंगलाचरण के रूप में, हम विस्तार नाम से किया था अपने शिष्याओं के साथ। उसका भी कैसे उसकी जड़ों का विस्तार है, यही भावना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने आर्किटेक्चर भी किया। मैं अपने बायोडाटा में नहीं लिखती तो आपने वो भी किया, लेकिन अब जब आप स्टेज पर इतने सालों से हैं
और अब आपने कोरियोग्राफ भी काफ़ी सालों से कर रही हैं आप, कितनी मदद मिली ये पढ़ाई जो थी आपकी, इसने आपको कोरियोग्राफी में कितनी मदद की? देखिए, मैंने आर्किटेक्चर 5 साल का, मैंने 4 साल के बीच में छोड़ दिया क्योंकि मुझे नृत्य ही करना था। आर्किटेक्चर में है वो मैं डांस में पढ़ती हूँ, स्पेस से कैसे डील करना, कैसे स्कल्प्ट करना स्पेस को। हम जो नृत्य में करते हैं वो यही करते हैं कि ताल लय और अभिनय के माध्यम से स्पेस को हम डील करते हैं। तो मेरी शायद कोरियोग्राफी में उसका बहुत अंश देखा जा सकता है, आर्किटेक्चर के से कैसे अप्रोच हम डांस में लेते हैं। बिल्कुल। और अगर हम डांस को एज ए करियर, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, और आज के दौर की बात करें, कैसा रुझान आपको आज के लोगों का लगता है? क्या वो नृत्य को एक फुल टाइम करियर के रूप में देखना पसंद करते हैं? करियर के रूप में मुश्किल कोई भी कला है, अगर या चाहे वो पेंटर है या पोइट है, या वो लेने वाले थोड़े तो पागल होते हैं। मतलब अगर आप में थोड़ा पागलपन की वो है तो आप शायद ये कर सकते हैं। और अगर इसी बात पे जो आपने अपने स्टूडेंट्स की बात करी, तो इसी को जोड़ दें अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से, काफ़ी पुरानी है लेकिन आज के दौर की हम बात करते हैं तो वो कितनी प्रासंगिक हो जाती है? गुरु और शिष्य का जो कनेक्ट है वो बहुत आवश्यक है। एक अलग प्रकार का वातावरण है, इसलिए वो गुरु शिष्य की एक इंस्टीट्यूशनलाइज टीचिंग है तो उसमें भी फ़र्क है, लेकिन फिर भी हर शिष्य से आपका एक नाता रहता है और वो एक परंपरा का अब ये इस ये रूप में अभी निभ रही है, आगे जा रही है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय शेयर की हमारे साथ, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। माधवी नमस्कार, नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह से मुलाकात होगी। 3 शब्द हैं जो माधवी के बारे में अगर बात हो, उनका जिक्र हो, तो सरसता, सरलता और सौंदर्य बोध। जीवन की साधारण खुशियों में रस लेना, अपनी कला के प्रति एज अ टीचर वो बहुत डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, गंभीर हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें, ये जो साधारण बातें हैं, इन साधारण बातों में कैसे रस लेना है, चाहे वो फिल्म जाना हो, फिल्म की बहुत शौकीन है माधवी, और अक्सर फ़ोन पर यही बात होती है कि आज कौन सी फिल्म जाएंगे, तो फिल्म हो, चाहे घर पे खाना बनाना हो, चाहे बाज़ार जाके चाट और गोलगप्पा खाना हो, इन छोटी छोटी खुशियों को माधवी ने अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया है। क्या कहूँ, आप बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए तो मेरा नहीं बनता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उड़ीसी के मंच पर आप सजी रहें, सजती रहें, उसे संवारती रहें अपनी प्रेजेंस के साथ, उसकी उरूज तक पहुँचें। आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ा है। क्या कहना चाहेंगी? जो सही दोस्त होते हैं वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं, मेरी दोस्त। शास्त्रीय नृत्य जो है ये एक कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये ख़ास लोगों के लिए है, आम आदमियों का दखल उसमें बहुत कम होता है, क्या आप इस बात को मानती हैं? हाँ, आप जैसे कह रही सबके लिए नहीं है, मतलब मास अपील नहीं है, लेकिन आम आदमी किसे आप कहेंगे? मैं कहूँगी कोई भी तबके का व्यक्ति जो सेंसिटिव है वो इसके प्रति इंटरेस्ट रखता है। क्या लगता है आपको कि शास्त्रीय नृत्य हर तबके तक पहुँचे, हर लोगों, हर इंसान तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, इसके लिए आपको लगता है कि वो जो प्रयास होने चाहिए थे उनमें कहीं अभी कमी है? हाँ, देखिए, एक तो आज हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न पे, आप शास्त्रीय नृत्यांगना से बात कर रहे हैं, ये एक स्टेप है, क्योंकि ये जो हमारा इतना सशक्त माध्यम है टेलीविज़न, इसको हमने कभी एक्सप्लॉयट नहीं किया अच्छी तरीके से। अभी देखिए, पहले तो फिर भी कुछ आता था जब बाकी चैनल्स नहीं थे, अब रात को 11:30 के बाद आप शास्त्रीय नृत्य या गायन दिखाते हैं, तो ये कैसे आप अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे?
पिकमे के जैसी कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हमारे ऐसे मास मीडिया, मास टेलीविजन ना न्यूज़पेपर्स में हैं कलाओं के बारे में, क्योंकि कलाएं हमारी आत्मा है। अगर हम इस आत्मा को खो देंगे तो हम अपनी अस्मिता, हमारी पहचान हम खो देंगे। जो आपके दोस्तों ने कहा कि आपको फिल्मों का भी शौक है, फिल्में देखना पसंद करती हैं आप, और अगर अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं देखती, हाँ, लेकिन हाँ अच्छी लगती है, अच्छी फिल्म देखना देखना लगता है। कोई गाना या कोई गीत जो आप गुनगुनाती रही हो तो हमारी ऑडियंस के लिए भी आज गुनगुनाती हैं। भरी सभा में मुझे मत गवाइए, मैं गायक नहीं हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है माधवी जी, आज आप शख्सियत में आई, हमारे बीच आई, इतना वक्त गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते समीना जी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, एक और नए सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।